नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंकिंग मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया एनिमेशन जो कि कुछ इस प्रकार का है। और इसको बनाने के लिए जो आपको सीखना है तो आपको आना पड़ेगा मेरी क्लास में। तो चलते हैं अपनी क्लास में और शुरू करते हैं आज का स्प्लिट एनिमेशन। जी हाँ, तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले एक कंपोजिशन लेते हैं और कंपोजिशन का नाम आप दे दीजिए स्प्लिट एनिमेशन। ठीक है, ये कस्टम हाइट विड्थ साइज सारी चीज़ें ओके हैं, इसको ओके रहने दीजिए और इसको कर दिया ओके। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर लेते हैं एक टेक्स्ट जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ थिंकिंग। ठीक है, और सेलेक्शन टूल पर आ जाते हैं और इसको कर देते हैं अलाइन यहाँ से। ठीक है, अलाइन करने के बाद अगर ये अलाइन का ऑप्शन आपको यहाँ से ना मिले तो प्लीज़ विंडोज़ की बटन में जाके क्लिक करके अलाइन का ऑप्शन यहाँ से हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों। जी देन हम यहाँ से जो है टाइल्स एंड एक्शन का जो ऑप्शन है इसे ऑन कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी ओके दोस्तों। और आते हैं अपने इस एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट। टेक्स्ट पे हम एनिमेट पे क्लिक करते हैं और एनिमेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से क्लिक करते हैं पोजीशन पर। कहाँ है भाई पोजीशन? ये रही पोजीशन। पोजीशन पर क्लिक कर देंगे, पोजीशन का ऑप्शन आ गया। देन एनिमेट वन पर ही रहते हुए हम यहीं पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन चूज़ करेंगे ओपेसिटी का ओके। ये आपकी ओपेसिटी की भी प्रॉपर्टी ऐड हो गई। यहीं पर रहते हुए हमको क्लिक करना है और ऐड करना है ट्रैकिंग। ये आपका ट्रैकिंग की भी प्रॉपर्टी ऐड हो गई। अब हमें क्या करना है, इन पोजीशंस के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी करनी है या कह लीजिए कि खेलना है। तो हम सबसे पहले पोजीशन पर आते हैं और पोजीशन को मैं कर देता हूँ 60 ओके ओके। ट्रैकिंग अमाउंट को मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट -150 ओके। यहाँ पर देखिए आप जो यहाँ पर पोजीशंस को आप बदल रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और इस ओपेसिटी को हम कर देते हैं 0 ताकि ये दिखना बंद हो जाए। देन हम रेंज सेलेक्टर पर आते हैं और यहाँ से हम करते हैं एनिमेशन। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाते हैं और 15 सेकंड का एक एनिमेशन बनाते हैं। 15 सेकंड को आप 15 फ्रेम को देखने के लिए आप एग्जैक्टली आ सकते हैं, इसको जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और ये 15 फ्रेम पर आ जाइए और यहाँ पर आप एक एनिमेशन दीजिए और इसको कर दीजिए 100%। तो अगर आप अभी इसे चला कर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका एक एनिमेशन यहाँ पर बन गया है। जी, इसको आप सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, की फ्रेम असिस्टेंट पर जाइए और ईजी इन पर जाइए। ये आपका ईजी इन एनिमेशन तैयार है। ग्राफ एडिटर पर आइए, अगर आपको ये ग्राफ एडिटर कुछ दूसरे तरीके से दिख रहा है तो आप राइट क्लिक करिए और ये ध्यान रखिएगा कि आपका एडिट स्पीड ग्राफ इनेबल होना चाहिए। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको ले आते हैं बीच में, देन इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ले आते हैं बीच में। अब आपका एक स्मूथ एनिमेशन तैयार है फिलहाल। जी दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हम इसमें एक लेते हैं सॉलिड। क्या करते हैं, सॉलिड इसका एक बैकग्राउंड बनाते हैं। तो आप यहाँ से सॉलिड पे क्लिक कर सकते हैं, ये सॉलिड आ जाएगा। बैकग्राउंड को आप ब्लैक कर लीजिए ओके। सॉलिड को आप यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, आप नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 और मैंने कर दिया ओके। तो एक ये आपका एनिमेशन तैयार है, इसको आप नीचे ला दीजिए। इसके पीछे एक बैकग्राउंड तैयार हो गया दोस्तों। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं प्री कम्पोज। प्री कम्पोज का नाम दे दीजिए आप वर्ड।
ठीक है, ये आपका वर्ड और आपका एक प्री कंपोज यहाँ पर तैयार हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें एक मास्क क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इसको वापस ऐसे आते हैं, देन हम इस पर एक मास्क क्रिएट करते हैं। और उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इस रेक्टेंगल टूल का, और ध्यान रहे कि वर्ड का ऑप्शन यानी ये सेलेक्ट रहना चाहिए तभी मास्क बनेगा, अदरवाइज़ ये शेप लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम पूरा एक प्रॉपर मास्क बनाते हैं। मेक श्योर कि ये जो मास्क आप बनाएंगे ये सेंट्रलाइज रहे और इसके ऊपर प्रॉपर रहे। तो आप एरो की मदद से इसको जो है सेट भी कर सकते हैं, या फिर मास्क को आप यहाँ से ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि ये सेंटर पॉइंट पर रहे, हालांकि हम इसे बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का एक मास्क आपका तैयार हो जाएगा। देन हमें करना क्या है, हमको इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट। ये याद रहे डुप्लीकेट, हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल डी का, जिससे कि आप ये डुप्लीकेट कर सकते हैं, लिखा हुआ है और मैंने शॉर्ट की का इस्तेमाल किया था दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करिए और ये इन्वर्ट है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये एक इन्वर्ट तैयार हो जाएगा। देन हमको एनिमेट करना है और इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पी दबाएंगे और पोजिशन पर आएंगे। देन हम उस फ्रेम पर आएंगे जहाँ से हमारा ये की फ्रेम फिनिश हो रहा है। तो इसके लिए आप 15 फ्रेम मैंने चूज़ किया था, आप 15 फ्रेम पर आएंगे और ये आपका 15 फ्रेम है। देन आप यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ से 1 मिनट 15 सेकंड पर चलते हैं। आप यहाँ से जूम करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा 15 फ्रेम पर। और सिंपली आप 1 मिनट और 15 फ्रेम पर ही हैं, वापस से आप ऐसे आ जाइए और यहाँ पर हम इसको ऊपर लेकर चलेंगे कुछ इस तरीके से। ओप्स, ध्यान रहे ये दोनों सेलेक्ट है, इस वजह से आपको सिंगल सिंगल लेकर चलना है। ये देखिए, और आप इसे लेकर आएंगे, थोड़ा सा यहाँ से मैं इसे जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। और इस पोजीशन को हमको लेकर आना है नीचे, हालांकि हमारे पास एक बेटर वे भी है इसको एडजस्ट करने का, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और अब आपका एक जो एनिमेशन तैयार है वो कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, इसको हम यहाँ पर लाते हैं वापस और ऐड करते हैं एक न्यू टेक्स्ट। इसका नाम हम रख देते हैं मॉडल, मैं अपने चैनल के नाम पर बना रहा हूँ थिंकिंग मॉडल, तो इसलिए रख देता हूँ मॉडल MODEL। और इसको मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, देन अलाइन करता हूँ यहाँ से सेंटर पर, और इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ छोटा, फॉन्ट थोड़ी छोटी ले लेता हूँ, देन सॉरी यहाँ से सेंटर, और यहाँ से ये करने के बाद और इसको मैं ले आ देता हूँ नीचे बॉटम पर। यहाँ मैं एक सॉलिड बनाता हूँ, सेम चीज़ हमें करनी है जो मैंने की है। और इसमें सॉलिड का जो है आप नाम बीजी दे दीजिए, सॉरी बैकग्राउंड, मेक श्योर कि कलर सेम रहे, कलर में चेंजेस नहीं होने चाहिए। ओके, और इस बीजी को आप ले आएंगे इसके नीचे, ठीक है। देन इन दोनों को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, प्री कंपोज, प्री कंपोज का नाम आप दे दीजिए सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड, और इसको कर दीजिए ओके। ये आपका सेकंड वर्ड तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम चीज़ इस पे मास्क बनाना है। तो मास्क बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से एकदम सिंपली आपको जो है इसे सेलेक्ट करना है और इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि आप आसानी से इसे बना सकें। और जैसा कि आपने पहले भी कर रखा है तो उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मास्क को सेलेक्ट करिए और इसको जो है
अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, हालांकि अभी मैं इसे और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। देन आपको इसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट हो जाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करके इसको इन्वर्ट कर देना है। दोनों को सेलेक्ट करिए, पी दबाइए, पोजीशन पर आइए और यहाँ से आप 2 मिनट 15 सेकंड या 15 फ्रेम को चूज़ करके इस ऑप्शन को आप अप एंड डाउन करिए। माफ़ करिएगा, फिर भी गलती मैंने की, दोनों को सेलेक्ट कर रखा है, एक को सेलेक्ट करिए और इसको लेके चलते हैं ऊपर, इसके अंदर तक पूरा, ये ध्यान रहे। और इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको लेकर आ जाते हैं इसके अंदर तक पूरा। ओके, अब जो आपका एनिमेशन तैयार है वो कुछ इस तरीके का है। गौर से देखिए, ये निकला, ये आया और ये हो गया। ठीक, यहाँ पर जो थोड़ा गैप हो रहा है आप देख रहे होंगे लाइन का, वो मास्क की वजह से है, आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा तो ये चीज़ें नहीं आएंगी ये यहाँ पर। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस लाइन को हम एडजस्ट कर लेते हैं, अगर इसकी पोजीशन को हम थोड़ा सा अप या डाउन करें तो ये लाइन आपकी गायब हो जाएगी। ये देखिए, ये एकदम गायब हो चुकी है। और इन पोजीशन को भी हम थोड़ा जो है सही कर लेते हैं, इनकी पोजीशंस को। तो इस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और इसको लेकर आते हैं यहाँ तक, ताकि कोई गैप आपको ना दिख सके। और दूसरे वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और इसकी पोजीशन को भी हम कर देते हैं कम यहाँ तक। ओके, देन इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एनिमेशन है। जी परफेक्ट तो नहीं कहेंगे इसे, थोड़ा हम यहाँ तक लेकर आ जाते हैं, हालांकि वहाँ तक भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है उसका, तो इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, क्योंकि मेन उसका इंडेंशन उसको हाइड करना है, तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा एनिमेशन तैयार है। अब हमें क्या करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं वापस से और शुरू करते हैं अपना अगले वर्ड की तैयारी। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं और आते हैं नए टेक्स्ट पर और इस टेक्स्ट का नाम दे देते हैं स्वीप। ओके, देन सेलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं और सेलेक्शन टूल को यूज़ करने के बाद हम अलाइन पर जाते हैं। सेम चीज़ आप कर लीजिए एक लिमिट तक, ये ध्यान रहे। और ठीक है, ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है, एक इसको हम लेकर आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर हम एक सॉलिड लेते हैं, सॉलिड में हम सॉलिड का नाम आप दे दीजिए बीजी, और इसको कलर ध्यान रहे सेम होना चाहिए, और इसको ओके करिए। इस बीजी को आप ले आइए नीचे, दोनों को सेलेक्ट करिए, प्री कंपोज पे क्लिक करिए और इसका नाम रख दीजिए थर्ड वर्ड और ओके। ठीक, ये हमारा एनिमेशन इतना तैयार हो गया, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से ये ओपन हुआ मॉडल, देन मॉडल को दिखा और मॉडल के अंदर दिखा आपको मेरा नाम। ठीक, आप पोजीशंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे ये पोजीशन ठीक लग रही है, इतना गैप सफिशिएंट है। अगर आपको लग रहा है तो आप प्लीज़ अपनी पोजीशन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ये ध्यान रहे बस। क्योंकि एक पोजीशन एडजस्ट करेंगे तो सारी पोजीशन आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, आपके हिसाब से है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लास चल रही होगी। प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आगे क्या करना है, एक काम और करना है हमें दोस्तों। मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा इसे और अच्छा बनाता हूँ। हम वापस से एनिमेशन पर आते हैं और इनकी पोजीशन को मैं कर देता हूँ थोड़ा और ऊपर, मैं इसे यहाँ तक लेकर आता हूँ, देन इसको मैं यहाँ तक लेकर आता हूँ और हम अपने इस एनिमेशन पर आते हैं और ये परफेक्ट हुआ दोस्तों। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मेरे नाम में आप मत जाइए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। आपका नाम चैनल का जो भी होगा तो आप तो और थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा नीचे हो गया है तो मैं इसे थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। यस दैट्स इट, नाउ दैट्स इट, ओके, ये देन ये और देन मेरा ये चैनल का नाम, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं। यहाँ से मैं एक एडजस्टमेंट लेयर बनाता हूँ और प्रीसेट्स एंड इफ़ेक्ट्स में जाते हैं। यहाँ पर मैं इफ़ेक्ट टाइप करता हूँ ट्रांसफॉर्म ANS, ये ट्रांसफॉर्म है, इसको आप यहाँ पर लेकर आइए। इस इफ़ेक्ट के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है क्लास में। -8 कर देते हैं और ये आपका एक खूबसूरत सा एनिमेशन अब कुछ इस तरीके से बनकर तैयार है दोस्तों। ओके, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं उसको सही कर देता हूँ। ओके देन इट्स ओके, ये जो अभी हमने चैनल्स को आगे पीछे किया है इस वजह से ऐसा है। तो मैं वापस से एक बार अंडू करता हूँ और आप देखेंगे अब ये एकदम सही दिखेगा आपको। यहाँ पर एक्चुअली मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी थी और मैंने नया एनिमेशन लगा दिया था, इस वजह से कुछ ये ऐसा था। और यहाँ पर वो एनिमेशन नहीं होना चाहिए था जो अभी आपने देखा, ठीक है। यहाँ पर हम नया एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं, देन ट्रांसफॉर्म यहाँ से मैं लगाता हूँ और ट्रांसफॉर्म के बाद आप इसे करेंगे -8 और ये आपका एक बेहतरीन एनिमेशन तैयार है। ये देखिए ये, और अगर आपको इस के किसी भी वर्ड का कलर चेंज करना हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सपोज़ ये मॉडल जो वर्ड है, ये वाला वर्ड, इस पर आपको कलर चेंज करना है या आपको इस पर कलर चेंज करना है, जिस भी कलर को आपको चेंज करना हो उस पर आप सिंपली डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट के कॉलम पर जाएंगे और जो भी कलर आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका एक बेहतरीन एनिमेशन यहाँ से बनकर आपके सामने आ जाएगा। ओके, ये देखिए, ये देन ये, ओके। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए, ये एक बेहतरीन एनिमेशन यहाँ से बनकर तैयार है। हम आते हैं ऑलमोस्ट 2 सेकंड पर और एक नल ऑब्जेक्ट लेते हैं। नल ऑब्जेक्ट पर आते हैं, सारे ऑप्शन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं एक्सेप्ट एडजस्टमेंट लेयर, इसको छोड़कर, और इस पिक विप से इसको मैं नल ऑब्जेक्ट से अटैच कर देता हूँ। देन नल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, स्केल दबाते हैं, यहाँ पर एक स्केल का एनिमेशन देता हूँ और ऑलमोस्ट 3 मिनट 15 सेकंड पर मैं इसको आके यहाँ से थोड़ा सा 90% के आसपास स्मॉल कर देता हूँ। ये आपका एनिमेशन एकदम परफेक्ट तैयार है। अब देखिए ये देन यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे और ये आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट है यहाँ पर, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा, अगर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर थोड़ा सा, मैं ये चाह रहा था कि ये थोड़ा और पहले से ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए मुझे सिंपली इसको यहाँ रखना है और इस इफ़ेक्ट को मुझे यहाँ पकड़ना है और मैं इसे यहाँ ला देता हूँ। देन क्या बनता है देखते हैं, ये देखिए और भी बेहतरीन इफ़ेक्ट तैयार है आपका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा छोटा होगा,
चेन। और अगर मैं इसकी पोजीशन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ, आप इन सब चीज़ों के साथ अपने हिसाब से खेल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही करें, तो आप देखेंगे इसमें एक थोड़ा सा जूम का भी इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, ये कुछ ऐसा होगा, उसके बाद ये वापस से बड़ा आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नाउ सब सारे एनिमेशंस को आप एक साथ सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, ईजीज कर दीजिए यहाँ से, और ग्राफ एडिटर पर आते हैं। देन ग्राफ एडिटर में आकर हम इसे थोड़ा सा जूम करेंगे, और उसके बाद यहाँ से मैं सारे इफ़ेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इस हैंडल को पकड़ के यहाँ ले आता हूँ, इस हैंडल को पकड़ के यहाँ ले आता हूँ। ओके, अब आपका एक बेहतरीन एनिमेशन तैयार है दोस्तों। इसको यहाँ से बंद करिए। बैकग्राउंड में आप इसके कलर लगा सकते हैं, आप इसको ट्रांसपेरेंट रेंडर कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ट्रांसपेरेंट रेंडर कैसे करना है, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने आपको ट्रांसपेरेंट रेंडर के ऊपर बताई है। और बैकग्राउंड में कलर लगाना हो आपको, तो सिंपली आपको न्यू सॉलिड पे जाना है। सॉलिड पे जाने के बाद यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाहें वो कलर आप आसानी से यहाँ बना सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए मैंने ये कलर बना दिया और ओके कर दिया, ठीक है। और इसका नाम आप बीजी दे दीजिए, ओके करिए। सिंपली आप ओके करेंगे और आपको बैकग्राउंड दिखने लगेगा। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, आपको इसके लिए क्या करना है, नीचे लाने से काम नहीं बनेगा। आपको सिंपली टॉगल स्विच पे क्लिक करना है, यहाँ आपको मोड दिखेगा, और मोड में आप नॉर्मल से आकर आपको सिर्फ करना है स्क्रीन। जैसे ही आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, आपका ये कलर जो है सामने एक्टिव हो जाएगा, ये ध्यान रहे। और आपको कुछ नहीं, आपको वापस से इसे कलर को चेंज करना है। सॉलिड सेटिंग पर जाइए, यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर को चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो जो भी कलर आप रखना चाहें वो कलर आप यहां से रख कर अपना बैकग्राउंड, अपना लोअर थर्ड, अपना इंट्रो, अपने चैनल का इंट्रो आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी दोस्तों, पसंद आई होगी। एक बार एनिमेशन फिर से देख लीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर दोस्तों।